ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं सिलेबस, है ना। सारा टॉपिक्स आप देख सकते हो कि अपने सिलेबस में सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही किए हैं हम लोग, तो एक्स्ट्रा भी जरूरी है, कभी कभी एक्स्ट्रा भी पूछे तो पढ़ना ही चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम लोग एक्स्ट्रा भी किए ताकि हम लोग का, ठीक है। तो यूनिट वन में, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से। हम लोग का टोटल 6 यूनिट्स है, है ना, जिसमें 3 यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का और 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, टोटल चैप्टर्स है मेरे हिसाब से 12 में 3 क्या 9 और 9 और उधर है 6 ना, 9 6 कितना हो गया 15, 15 चैप्टर्स है आपका। ठीक है, तो टोटल हम लोग कंप्लीट किए सब। और सबसे पहला जो है हम लोग का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला 3 यूनिट्स है, तो इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग आया कैसे, है ना, इंट्रोडक्शन में। फिर उसी में हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे ही फिर इवॉल्व हुआ है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ ना, रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं ना हम लोग, पहले अकाउंटिंग करना सीखते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद फिर क्या आया, कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर अभी अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो सब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोग ओवरऑल पूरा रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग मेन क्या करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, दोनों का हेल्प लेते हैं ना, ताकि हम क्या कर सके, डिसीजन कर सके। क्लियर हो गया, तो इसका हम लोग डिफरेंसेस भी देखे अलग अलग, है ना, और आप लोग भी अपने हिसाब से बनाए थे डिफरेंस, और अच्छा फिर ये सब पढ़ लिए हैं मतलब हम लोग डिफरेंसेस। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या ऑब्जेक्टिव्स देखे, एडवांटेज है ना, क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या चीज मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है, आपका कॉस्ट रिकॉर्ड सारा हो जाता है, एक प्रोडक्ट का या जॉब का कितना टोटल कॉस्ट लगा है वो पता चलता है हमको, किस सर्विस में कितना क्या है, अलग अलग मेथड्स है, टेक्निक्स है, ये सब फिर हम लोग इसमें देखे। ठीक है, फिर हम लोग इसमें है जो सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखे क्या था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कॉस्ट का एलिमेंट्स क्या होता है, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड, है ना, देखिए ना ये सब मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, फिर तीनों का मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट है तो क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट हो गया ये, है ना, डायरेक्ट नेचर का, और जितना भी इनडायरेक्ट है सबको क्या बोलते हैं, ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल भी, लेबर भी और एक्सपेंसेस भी, ठीक है, सब क्या कहलाता है, ओवरहेड। फिर इसका क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखे या कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं वो क्या था, प्राइम कॉस्ट आता है पहले, है ना, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हम लोग बोलते हैं या चार्ज, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल जितना हम कंज्यूम किए इसमें लगा है हमको इस प्रोडक्ट में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, है ना। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, हम लोग फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते हैं, है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा जोड़ने के बाद क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। फिर वर्क्स कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग भी सबका अपना अपना स्टेज पे जोड़ते रहते हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल का ओपनिंग है तो वो पहले ही प्राइम वाली में चल जाता है ना, और फिर हम लोग का अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो फैक्ट्री में चल जाता है उसका ओपनिंग, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग वहाँ एडजस्ट होता है। फिर हम लोग का जो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आया उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला करते हैं ना, ठीक है, तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फिर उसमें फिर ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं फिनिश गुड्स का, तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग है उस पर ध्यान देना है, और उससे अगर कुछ रियलाइज हुआ हमको उसको बेच के तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग है डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता है, तो उसको हम लोग जब उसका खर्चा बुक करते हैं तो हम लोग क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल से फिर हम लोग जब एडजस्ट करते हैं मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़ते हैं हम लोग, कितना मार्जिन पे बेचे मतलब प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसको हम लोग प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आता है मेरा सेलिंग प्राइस, क्लियर हो गया सबको। तो क्वेश्चन बनाते समय अगर मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हम निकाल लिए तो प्रॉफिट तो अपने आप बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, क्लियर हो गया, प्लस में आया तो प्रॉफिट, नहीं तो क्या आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करके हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर में ये खत्म हो गया। थर्ड, फिर इसके बाद हम लोग का सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट टू में क्या है, अच्छा फर्स्ट यूनिट में एक चीज और है, कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके ये भी हम लोग किए है ना कि एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं, है ना, और उनका क्या है, पहले ट्रेडिशनल फंक्शन क्या रहा है, मॉडर्न फंक्शन, अभी के टाइम में उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, पॉज कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल हम लोग देखिए, फिर आते हैं हम लोग यूनिट टू में, है ना, यूनिट टू अभी अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, है ना, लेटेस्ट है ये,
तो यूनिट टू में हम लोग देखें क्या मटेरियल के बारे में, मेनली कैसे उसको मटेरियल इन्वेंटरी कंट्रोल है, तो कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, कैसे हम लोग उसे पोजीशन में रखते हैं, और उसका अलग अलग क्या है। इसमें हम लोग चार हेड मेनली देखे थे, क्या क्या देखे थे, पहला क्या था, कंट्रोली वाला था ना, जिसमें टेक्निक्स लिखा हुआ था, है ना, टेक्निक्स था, क्या क्या टेक्निक्स है, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे, एबीसी एनालिसिस, वेव एनालिसिस, है ना, फिर डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, ईओक्यू देखे, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी वाला देखे, ठीक है, परपेचुअल में कंटिन्यूअस वाला देखे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, परचेजेस वाला, ना परचेज वाला, तो उसका हम लोग पढ़ रहे थे अलग, उसका क्या फॉर्मेट है, एग्जीक्यूशन इशू होता है, उसको भरना होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े, अलग अलग सिस्टम पढ़े ना, उसमें हम लोग मतलब अलग अलग जो स्टेप्स है वो देखे परचेजेस में, कि कॉशियस मतलब देखना पड़ता है, ठीक है। तो परचेजेस के बाद हम लोग क्या देखे, स्टोर्स वाला, स्टोरेज ना, स्टोरेज का तो उसमें था ना, बिन कार्ड वाला, ये सब बिन कार्ड, और क्या था, स्टॉक लेजर मेंटेन करते हैं, है ना, कितना है, तो दो वो सिस्टम हो गया। और फिर लास्ट में क्या था कि इशू कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग अलग अलग मेथड देखे ना, एक्चुअल वाला, फिर एवरेज वाला, और फिर नोशनल। एक्चुअल जिसमें एक्चुअल प्राइस होता है, इसमें फिफो लिफो, है ना, जो सिलेबस का पार्ट है हम लोग का। फिर हम लोग एवरेज में देखे स्टैंडर्ड एवरेज और वेटेड एवरेज, और फिर लास्ट में हम लोग नोशनल में, इसमें काल्पनिक होता है, स्टैंडर्ड प्राइस या रिप्लेसमेंट वाला देखे। क्लियर हो गया, तो इसका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, है ना, ठीक है, पहले तो प्रैक्टिकल पे ध्यान दे दीजिएगा, वो हो जाएगा। फिर इसमें मटेरियल लॉस भी हम लोग देखे, तो मटेरियल लॉस को क्लासिफाई किया गया मेनली किसमें, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। मटेरियल लॉस का भी अलग अलग कैटेगरी था ना, वेस्टेज था, स्क्रैप था, है ना, इस तरह का अलग अलग कैटेगरी है। तो इसमें भी हम लोग फिर देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉस को हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही मानते हैं, है ना, अगर क्वांटिटी अगर घट गया है तो कोई बात नहीं, जितना प्राइस में हमको बेचना है अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उतना मेरा नॉर्मल लॉस हमको पता है वो होगा ही, है ना, तो बिजनेस में वो उतना होता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना, प्राइस से कुछ माइनस नहीं करते हम लोग, है ना, तो पर केजी दाम अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कम क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं। एबनॉर्मल में जबकि क्या है, वो हम सोचे हुए नहीं रहते कैसा होगा, है ना, बड़ा लॉस हो जाता है हमको, जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होता है, ऐसा कारण से हुआ जो नहीं होता है नॉर्मली बिजनेस में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसके कारण हम कॉस्ट को महंगा नहीं कर सकते हैं, है ना, कस्टमर नहीं खरीदेंगे। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल दिए, चीनी वाला बोरा लेके जा रहे थे, ये हो गया, या कोई भी इस तरह का हमको अगर लॉस हो गया, ठीक है। फिर इसमें एक और चैप्टर था हम लोग का यूनिट टू में ही, ओवरहेड वाला, है ना, ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा। तो इसमें मेनली हम लोग को क्या देखना था, तीन तरह का जो हम कॉन्सेप्ट है मेनली, क्या क्या है, पहला एलोकेशन, जिस डिपार्टमेंट का या जिस चीज का जो खर्चा है डायरेक्ट उसमें पास कर देने को क्या बोलते हैं, एलोकेशन, है ना, क्लियर हो गया। दूसरा था क्या, अपोर्शनमेंट, क्लियर नहीं हमको एग्जैक्ट कितना खर्चा, लेकिन कोई बेसिस रहता है, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, जो कोई भी बेसिस है, जो आधार है, उससे हम डिवाइड करके क्या करते हैं, जिसका जो खर्चा है डिवाइड करने के हिसाब से कितना किसका आ रहा है उसको उतना बांट देते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट, ठीक है। वीडियो भी है इसका, तो है ना, कहीं डाउट होगा तो भगा के देख लेना कि यहाँ पे हमको ये डाउट है, ठीक है। ऐसे सिंपल में फिर से बोली, एलोकेशन भी क्या होता है, मेरा ही खर्चा हमको पता है, इतना ही खर्चा है इस डिपार्टमेंट का, या मेरा ही खर्चा है इतना, तो हम आराम से माइनस कर सकते हैं ना अपने में, ये मेरा खर्चा है, तो मतलब खर्चा में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एलोकेशन हो गया, अपोर्शनमेंट हो गया, लाभ क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हम कोई रेट निकालते हैं, है ना, या तो वो एक्चुअल रेट होगा, एक्चुअल रेट क्या होता है, बात नहीं करिए, इधर ध्यान दीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए, बाद में आप देखिएगा, है ना। अपोर्ट लास्ट में एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम लोग या तो एक्चुअल से निकलता है, एक्चुअल का भी पता चलेगा, तो साल खत्म होगा तब ना एक्चुअल पता चलेगा, तो उतना वेट नहीं किया जाता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग पहले ही से पता रहता है हम लोग को लगभग मेरा कितना खर्च लगता है, तो उसका रेट निकाल लेते हैं, तो जो रेट निकालते हैं क्या करते हैं, जितना खर्चा आया मेरा डायरेक्ट लिया आया उसी पे हम लोग लगा देते हैं, कि लगभग मेरा इतना क्या था, इनडायरेक्ट खर्चा आता है, वर्क्स का आता है, वर्क ओवरहेड का आता है ना, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का लगभग इतना खर्चा आता है, तो उसको शुरू में ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। फिर लास्ट में हम लोग इसी में क्या देखते हैं, असली में कितना हुआ, क्योंकि लास्ट में पता चल जाएगा ना असली में कितना हुआ, उसे पता चलेगा कि ज्यादा हम चार्ज कर लिए थे कि कम किए हैं, तो उसी को अंडर या ओवर बोलते हैं, है ना, इसका भी अलग अलग मेथड था, है ना, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ यूनिट टू भी हम लोग का हो गया, यूनिट थ्री, ठीक है, यूनिट थ्री तो इसका पार्ट है लगभग जो हम लोग पहला यूनिट में किए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाला, है ना,
उसी का यूज आता है इसमें, उसी का आता है ना, वॉशीट बनाते हैं ना इसमें, उसी का यूज आता है। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए थे हम लोग यूनिट वन में, तो हम लोग इसमें क्या देखे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का ये मेन चैप्टर है ना, तो मेन चैप्टर इसमें हम लोग प्रैक्टिस किए इसका, और फिर हम लोग क्या बनाए थे, कॉस्ट शीट भी बनाए थे। कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या अंतर है, इसमें पर यूनिट भी निकलता है कॉस्ट शीट में, और ऊपर में आउटपुट आउटपुट भी लिखते हैं ना, कितना आउटपुट, तो जितना भी कॉस्ट आया है सबको डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटपुट से, है ना, कि मेरा एक यूनिट का क्या आ जाए, सबका खर्च आ जाए, मटीरियल का एक यूनिट का कितना है, लेबर का एक यूनिट का कितना है। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर्मेट में ध्यान देना है मेनली। फिर इसी में था नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे टेंडर या कोटेशन प्राइस वाला, तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये और बाकी सब क्या करते हैं, एस्टिमेशन बेसिस पे भर देते हैं, क्योंकि हम लोग का पिछले वाला फिगर्स है कि लगभग इतना मटेरियल पे या इतना पर यूनिट कितना लगता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसे टेंडर से क्या होता है, हम लोग कहीं पे भी कोट अपना कोटेशन दे सकते हैं ना, टेंडर भर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हम कितना में लगभग कंप्लीट कर देंगे मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या देखे, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट, पहले प्रोसेस, अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड है, क्योंकि लंबा टाइम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग, तो अगर एक साल से ज्यादा टाइम है तो इसके अंदर दो फॉर्मेट है ना, एक इनकम्प्लीट और एक कम्प्लीट। एग्जाम में आएगा कौन सा फॉर्मेट नहीं पता होगा, तो कौन सा बनाना है हमको, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगता है, बेटर फॉर्मेट होता है वो। अगर आ जाए आपका ज्यादा मार्क्स में कि फॉर्मेट ही बनाइए 15 मार्क्स, तो दोनों बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? पांच मार्क्स में आया तो एक ही बनाएंगे, ज्यादा में आया तो दोनों। अच्छा, सारा खर्चा लिखने का भी जरूरत नहीं है, बड़ा फॉर्मेट आपको दिख रहा हो कि ये भी है वो भी है, थोड़ी ना उतना लिखा जाता है, शॉर्ट में कुछ खर्चा का नाम लिख दिए, मेन हेडिंग से मत छोड़िएगा, जैसे वो मेन हेडिंग मतलब क्या, ओपनिंग जो है, ठीक है, फिर क्लोजिंग है, फिर क्या है आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो दिखता है, फिर नोशनल प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? ये क्या हुआ, मेन हेड से ये भी है, बना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर हो गया? फिर ये फिर कंप्लीट का जो अपना फॉर्मेट। क्लियर हो गया? ज्यादा खर्चा को आपको बनाते समय फॉर्मेट नहीं दिखाना है, पांच मंथ के लिए दो पेज नहीं भर देना है। क्लियर हो गया? मेन चीज को बस आपको शो करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेनली बनता है कैसे, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, कितना मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना वर्क हम कंप्लीट किए है ना, अगर 25% से कम है तो कोई मेरा प्रॉफिट में नहीं जाता है ना, सारा वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है। क्लियर हो गया? फिर 25% से 50% तो उसका अलग फॉर्मूला है, 25% तक का अलग है, फिर 25 से 50 का अलग है, 50 से कितना 75 कितना है, 2/3 है ना, 2/3 है, ठीक है, देख लीजिएगा वो, और फिर एक है पूरा 90% या उसके ऊपर क्या है, और फिर कंप्लीट वाला है, ठीक है। तो मेनली जब पढ़िएगा तो वो हमको देख लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, प्रोसेस में क्या होता है, चलिए प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, एक से ज्यादा जिसका प्रोसेस लगता है ना, एक से ज्यादा बार स्टेप में वो कंप्लीट होता है, तो उसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, है ना। फिर पहला का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा इसका इनपुट बनता है, है ना, इस तरह से रोटेट होता है, लास्ट हमको पता चलता है क्या हुआ है ना। तो इसमें भी अलग अलग मेथड है, और जो अलग अलग ट्रीटमेंट है, अब नॉर्मल का बेच दिए बीच में, किस प्रोसेस में बेचे हैं, तो जिस प्रोसेस में बेचे हैं उसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इजी चैप्टर है ये भी, फिर इफेक्टिव हुआ कि आपका एबनॉर्मल के कारण फायदा भी हो गया, कभी कभी एबनॉर्मल फायदा भी हो जाता है ना, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था आपको, ठीक है, तो उसका भी ट्रीटमेंट, मतलब मेनली हमको जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको, जो आपको लिखवाई दिए इलस्ट्रेशन है ना, उसको देख लेना, इलस्ट्रेशन का भी नंबर तो बता दिया कि कौन कौन सा कर लेना, ठीक है। तो ओवरहेड ये हो गया, प्रोसेस के बाद क्या बचा हुआ है, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मेनली लिखा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन क्या, क्या दो प्रोडक्ट बनाने का उनका इरादा था, अगर नहीं था इरादा तो बाय प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर हो गया? इरादा था तो क्या बन रहा है, समझ गए? तो एक तो मेन चीज है ये, और भी एक तो बेसिस है वो देख लेना, पढ़ लेना है, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का हो गया, तो दोनों का जब बनता है तो अकाउंटिंग उसी तरह होता है ना, फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्या होता है, दो अकाउंट बनने लग जाएगा ना उसका, उसके लिए अलग बनता है, अलग कॉलम बनता है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद हम लोग का रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, क्या करते हैं इसमें, मिला देते हैं बस, है ना, कॉस्ट का जो है और मतलब जो मेरा आ रहा है उसके हिसाब से जो डेटा है उसको किससे मिलाते हैं, फाइनेंशियल से। तो हम लोग किसको ध्यान पे रखते हैं, बढ़ना किस तरफ है ना, अगर नीचे में फाइनेंशियल का रखेंगे तो सारा चीज किसके हिसाब से होना चाहिए, फाइनेंशियल। क्लियर हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना, यस, फाइनेंशियल में तो जो प्लस किया है ऊपर नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं प्लस है तो क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर हो गया? यहाँ माइनस लेकिन ऊपर में नहीं तो क्या कर देंगे, माइनस।
क्लियर है, ऊपर में प्लस है लेकिन नीचे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे उसको हटा देंगे। जो सिंपल में क्या करते हैं नीचे वाले से मिलाते हैं, जो एग्जांपल दिए थे ना दो बुक रखे थे ऐसे रखे थे yes, मिलाए थे फिर हम लोग कैसे मिलेगा है ना, जिससे मिलाना होता है उसको देखते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको ना? यस सर। ठीक है, इजी नीचे मतलब जिससे मिलाना है। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हम लोग का खत्म हो गया, तीन यूनिट था कॉस्ट में, तीन का तीन यूनिट खत्म हो गया। तीन यूनिट किसका आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 4 है, जो इसका पहला यूनिट है बजटिंग। ठीक है, बजटिंग क्या होता है? हम लोग अपना एस्टिमेशन के बेसिस पे बनाते हैं, उसको बोलते हैं बजट, है ना। इसमें तीन हम लोग की टर्म देखे थे, कौन कौन सा? एक देखिए क्या बजट, एक देखिए बजटिंग, और ये क्या था? बजटरी कंट्रोल, है ना। बजट क्या हो गया? हम लोग जो बना रहे हैं, है ना, जो बना बजट हो गया। बजटिंग क्या हो गया? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बजटिंग हो गया। बजटरी कंट्रोल क्या हो गया? जब इसके आगे का एनालिसिस और इसे हम लोग करते हैं, आगे का प्रोसीजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है ये सब, जो थ्योरी पोर्शंस है वो भी जरूरी है, मेरिट डिमेरिट क्यों जरूरी है, लिमिटेशंस, ठीक है ये सब। फिर बजटरी कंट्रोल, इसमें बजट में हम लोग अलग अलग टाइप्स का बजट देखे थे, कौन कौन सा? सेल्स बजट, है ना, प्रोडक्शन बजट, मटीरियल बजट, है ना ये सब। और क्या था? कैश, कैश बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, तो डायरेक्ट हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ बजट आप लोग थ्योरी के लिए बोले इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ बजट शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आपको हर बजट का मीनिंग पता होना चाहिए, ये बजट क्या है, ये बजट क्या है, ये बजट क्या है। क्लियर हो गया। और फिर डिफरेंसेस तो जितना भी आएगा सबका डिफरेंस कम से कम नहीं भी लर्न करो, इंपॉर्टेंट में नहीं भी लिख पाए हैं तो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अच्छा, इसमें आपका बोले कि कैश बजट का, क्योंकि तीन मेथड है, तो पहला मेथड जो हम लोग का है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, और लास्ट में तो पूरा स्टेटमेंट जो बनता है। ठीक है, पहला आपको कम से कम अच्छे से जानना चाहिए, दूसरा तीसरा तो ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा बनाते थे उसी के जैसा, लेकिन एक बार अगर टाइम रहे तो उसको भी पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हमेशा क्या करिएगा, बेसिक्स कंप्लीट करते जाइएगा, कम से कम जैसे एक दो इलस्ट्रेशन है किसी का भी। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी जा सकते हैं कि टाइम रहा तो वापस इसका और जो इलस्ट्रेशन है वो भी कर लेंगे। क्लियर हो गया, पहले कोशिश करिए कि ओवरऑल हम कवर कर लें। क्लियर हो गया, कैश बजट हो गया, उसके बाद फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स तो एक लेवल के लिए बनता है ना, इतना आउटपुट के लिए ही बस बन गया। फ्लेक्सिबल क्या, अलग अलग आउटपुट के लिए हम बना के रखते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, मतलब अलग अलग 60%, 70%, 80%, 90%, ताकि अगर मेरा प्रोडक्शन एक्चुअल में कुछ और हुआ तो उसका भी बजट मेरे पास पहले से क्या हो, रेडी हो। क्लियर हो गया, इसलिए नाम क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, इसके बाद बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग मेनली क्या देखे, कंट्रोल जब करते तो एनालिसिस रहता है ना, तीन चीज का एनालिसिस था, क्या क्या सीखा, सेल्स का, कॉस्ट का, प्रॉफिट का। क्लियर हो गया, तो बजटेड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या इसमें देखते हैं कि क्या आया, क्यों अंतर आया, तो तब ना आगे भी एनालाइज करेंगे क्या हुआ था एक्चुअली। ठीक है, ताकि कंट्रोल कर सके। तो मेनली इसमें क्या फॉर्मूला बेस्ड है ना, और फॉर्मूला वाला है, लेकिन क्या इजी है। ठीक है, एक चीज को अगर आप समझ लिए और फिर दूसरा चीज में आप आराम से मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इसी से मिलता जुलता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट भी है, यूनिट 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो गया यूनिट 2 वो, तो उसमें इसी से मिलता जुलता है। यहाँ बजट बोलते तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया, है ना, फॉर्मूला भी हम लोग देखे क्या सेम लगभग है ना, थोड़ा सा बस नाम हल्का सा ये हो जा रहा है। और जो मटीरियल का जो फॉर्मूला है वही क्या है, हमारा लेबर का भी है, बस एक आइडल वाला वेरिएंस को छोड़ के। और थोड़ा सा ध्यान देना है जब आइडल वेरिएंस में कैलकुलेशन करते हैं, जो यूनिट एक इलस्ट्रेशन हम लोग किए थे 14 क्या था, है ना, तो उससे हो गया। तो मटेरियल में भी इसमें स्टैंडर्ड वाला कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग एक बेंचमार्क बना लेते हैं ना कि मेरा लगभग इतना रेट रहेगा तो ये मेरा कॉस्ट आ जाएगा, या इतना प्रॉफिट आएगा, इतना सेल्स आएगा। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपना उससे कंपैरिजन कर सके। क्लियर हो गया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये हो गया। तो इसमें भी डिफरेंसेस हम लोग देखे थे ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या अंतर है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, लिखवाए भी है उसमें। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह का वेरियंस हो गया स्टैंडर्ड में, कौन कौन सा, मेनली मटीरियल पढ़ना है जो आपको, मेनली उसमें क्या पढ़ना है, मटीरियल लेबर, लेकिन थ्योरी के लिए तो बोले थे आपको सब पता होना चाहिए, है ना, मीनिंग पता होना चाहिए सारा का। ठीक है, इवन सेल्स का भी और आगे वाला भी जो भी है। फॉर्मूला क्या था, मटेरियल का ही फॉर्मूला लगभग किसमें है, लेबर में है, बस क्या था, क्वांटिटी किससे रिप्लेस हो जाता है, टाइम से ना, तीन, और यहाँ पे जो प्राइस है किससे हो जाता है, आर, रेट ना। क्लियर हो गया, ठीक है, तो लगभग सेम है।
ठीक है, तो हम लोग आराम से एक एक भी करेंगे तो आ जाएगा। देखें हम लोग क्वेश्चन सिंपल रहता है ना, जो सिंपल वाला लेवल वाला है उसमें क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला भी बन जाता है ना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, फिर लास्ट यूनिट में हम लोग आते हैं यूनिट 6 है ना, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें बताया गया क्या कि इनकम डिटरमिनेशन का जो अलग अलग फीचर्स है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब है। तो क्योंकि अलग अलग ये टॉपिक्स है तो हम लोग को क्या है फॉर्मूलास इसका अलग अलग है। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। ब्रेक इवन क्या आता है बोलिए, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना ब्रेक इवन से आगे आप बढ़ गए, क्लियर हो गया। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन अलग अलग फॉर्मूला भी है ना, अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग है, रुपीज के लिए अलग है, फिर दूसरा दूसरा चीज को यूज करते तो अलग है। तो इसका बोले थे आपको एक जगह फॉर्मूला लिख लेने, नहीं भी लिखे हैं कोई बात नहीं, आपको क्या बोलते पेज नंबर लिख लेने, कम से कम किस किस पेज पे फॉर्मूला है इसका, इस एक चीज का कहां कहां फॉर्मूला है, तो कम से कम आप पेज पलट के देख लेंगे। अभी ज्यादा टाइम आपको ये सब में नहीं लगाना चाहिए कि नोट इन नोट में हम टाइम कर रहे हैं, नोट्स बनाने बैठ गए, वैसे नहीं, नोट बनाने तो शॉर्ट में बनाइए एकदम पॉइंट्स में। क्लियर हो गया? Yes. ताकि रिवीजन करना है हमारे यहाँ भी आपको ज्यादा से आराम से पढ़ पाए, अभी ज्यादा टाइम लिखने में खर्च नहीं करिएगा, ठीक है, बस हाँ इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो आपका फायदा करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, बाकी बुक से भी आप देख सकते हैं। फिर और हम लोग इसमें क्या देखे है ना, ये सब है और टॉपिक था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसके आगे वाला नहीं होता है, उसी को क्या बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो ऐसे बना ये एंगल है ना, तो जितना बड़ा एंगल है उतना मेरा क्या होता है ज्यादा बेटर पोजीशन होते जाता है ना, कि मेरा उतना क्या है दूर है, तो मतलब प्रॉफिट और होते जा रहा है ना, तो ये वाला लाइन हो जाता है। तो इसके बाद फिर हम लोग इसी में है, देखिए डिसीजन मेकिंग का शट डाउन, मतलब हम चालू करें, चालू रखें अपना बिजनेस, बंद कर दें है ना, या कुछ पार्ट बंद कर दें, जो भी हम लोग का जो सिलेबस में है, फिर इम्पोर्ट करें या प्रोड्यूस करें है ना, ठीक है, फिर मेक खुद से बनाए या बाय करें, और क्या प्राइस हम रख सकते हैं, की फैक्टर भी देखे, अगर मटेरियल में की फैक्टर है तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम वाला नहीं देखते हैं या उस तरह का, मतलब कोई और नहीं, मेनली किसको देखते हैं, की फैक्टर अगर कोई है, मतलब कोई मेन एलिमेंट है जो कम है या उतना ही आपको अवेलेबल होगा, तो उसी के हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं कि मटेरियल कितना है, मटेरियल अगर मेन फैक्टर है हम लोग का तो उसके हिसाब से होगा, लेबर ही अगर मेन फैक्टर है तो उसके हिसाब से होगा, जो भी मेन फैक्टर है, मशीन मेन फैक्टर है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग शुरू में ही देखिए थे क्या, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जैसे बना रहे थे, तो उसमें हम लोग कॉस्ट को अलग नहीं करते थे ना, फिक्स्ड है ये और वेरिएबल है, ऐसे तो नहीं करते थे, सीधे सीधे लिखते थे ना, इतना है फैक्ट्री ओवरहेड, इतना है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इतना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहां हम अलग अलग किए, नहीं किए ना, ये अलग हम लोग करते आते हैं, इसी को क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब क्या ऐसा जिसमें अलग नहीं करते हम लोग, सब कॉस्ट को किसका कॉस्ट मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट ही मानते हैं, क्लियर हो गया, मतलब उसी में चार्ज कर देते हैं ना। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या था हम लोग का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाता है ना, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है हम लोग का, जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट का कॉस्ट है, कि इतना प्रोडक्ट का ये हो गया, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड का कॉस्ट है, कि ये समय के हिसाब से लगता है ना, मेनली किसको प्रोडक्ट का कॉस्ट मानते हैं, वेरिएबल को, इसीलिए हम लोग उसमें तोड़ना स्टार्ट किए थे, जब मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या कॉस्ट वाला जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं वेरिएबल फिक्स्ड अलग, ऐसे करते थे ना, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग, क्लियर हो गया, फैक्ट्री में कितना है वेरिएबल, कितना है फिक्स्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है, सबको अलग अलग कर देते, क्लियर हो गया, जिसमें अलग अलग करते हैं क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, और जिसमें एक ही में रखते हैं अलग अलग नहीं भी करते तो भी चलता है, कौन सा है वो, एब्जॉर्प्शन, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, कैसे करना है अब आपको, ठीक है, हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में,
प्रिपरेशन के लिए कैसे करना चाहिए, एक एक टॉपिक देखिए आप, ठीक है, आपको लिखवा भी दिया गया है किस तरह से पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट वाला आप देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर को मतलब देखिए कितना पेजेस है, पहले तो इंडेक्स में देख लीजिए कितना पेजेस का ये चैप्टर है, ठीक है, पहले जो मिड सेम में कवर कर चुके हैं जितना आप अच्छे से पहले उसको पढ़िए, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम किए हैं या हमको पता है चलो कुछ आ रहा है, तो उससे इजी रहेगा आपको। एक बार चैप्टर का देखिए कितना से कितना पेज नंबर है, तो माइंड को पता चलता है कितना पढ़ना है, फिर चैप्टर को घुमा के देखिए ऐसे, है ना, एक एक पेज देखिए, ठीक है, एक पेज देखेंगे तो माइंड और रिलैक्स हो जाएगा आपका, पता है कितना पढ़ना है। फिर जो इम्पोर्टेंट आपको, अब आपके पास दोनों चीज है, इलस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्लियर है, और ये आप अभी फिर से एक बार रिवीजन हो गया तो एक बार थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से आ गया है ना, ये वीडियो रहेगा ही आपके पास, तो इसको आप कोई भी चैप्टर का फिर से आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया, तो दोनों आपके पास है कि क्या करना है थ्योरी में भी और इसमें भी, तो पहले लेकिन आप कोई भी चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िएगा, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन भी चले गए, इंट्रोडक्शन में क्या होता है चैप्टर के बारे में थोड़ा बताते हैं ना, तो वो भी पढ़ना चाहिए, तो उससे क्या होगा आपको एक ओवरऑल मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इसमें क्या है, ठीक है, और आप ऑलरेडी पढ़ भी लिए हो, डिटेल में पढ़ लिए हो पूरा चैप्टर क्लास में हम लोग किए हुए हैं, तो आपको क्या होगा कॉन्फिडेंस फिर से आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए, उसका आंसर को पढ़िए, याद मत करिए, अभी लर्न करिएगा, जब आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तब लर्न करना स्टार्ट करिएगा, क्लियर हो गया, तो पॉइंट्स बना लीजिए आप कि ये पॉइंट है या पांच पॉइंट है, क्लियर हो गया, पांच पॉइंट कर लिए, और फिर प्रैक्टिकल भी है जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है उसको आप साथ में वही कॉपी और पेन एक हाथ में भी होना चाहिए आपका लिखने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन का, तो पहले पढ़ लीजिए अगर याद नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना, तो पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन कैसे बना है, फिर आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन उसका उठाइए उसी से, या तो इलस्ट्रेशन जो पढ़े उसी को बनाने का सॉल्व करिए, बनाने से क्या होता है फ्लो पता चलता है, पता चलेगा आपको एक्चुअली में आप पढ़े होते हो तो माइंड समझ गया कि हाँ मुझसे हमको समझ में आ गया, जब लिखते हैं तब एक्चुअली पता चलता है आपको कि कहाँ अटक रहे हैं आप, कहाँ कॉन्सेप्ट में आपका गैप है, क्लियर हो गया, कौन सा चीज क्लियर नहीं है वो लिखने से ही पता चलता है, वो लिखेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है, एक दो भी आप बेसिक बना लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, नहीं बनाओगे सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि हम मिस कर रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए बनाना है, नहीं बनाने से नहीं चलेगा, और सिर्फ थ्योरी करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे गलत कॉन्सेप्ट है, सब करना है, थ्योरी भी करना है प्रैक्टिकल भी करना है, पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इतना साल से कोई पढ़ा भी रहे वो भी बोलते यही आएगा, वो नहीं जानते उनको कहां से पता वही आएगा, ठीक है, तो आपको भी नहीं पता है, तो मेनली क्या होना चाहिए चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि थ्योरी का कुछ भी आए तो हम लिख पाए उसका, कॉन्सेप्ट चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिकल अगर हमको लगे हम बना लेंगे, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस है अगर हमको लगता है बना लेंगे तो हमको बनाना चाहिए फिर प्रैक्टिकल, क्लियर हो गया, बना दीजिए, और लास्ट में मान लो टाइम बच गया आपका तो आप क्या करिए ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना दीजिए, समझ में आया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना से क्या फायदा होगा, मान लो कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ ये मिले कि किसमें ज्यादा मार्क्स है आपका तो आपको फायदा हो सकता है ना उसका, और क्या है आप पढ़ के गए हो तो टाइम फिर बाहर क्यों पहले निकलोगे, तो बना लो, क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट में जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है पहले उसी को बनाना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब मिले, ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो ये हो गया, क्वेश्चन पेपर जब मिले आपको तो आपको पहले बनाना नहीं है तुरंत, पहले पढ़ना है क्वेश्चन, पांच मिनट लगे दस मिनट लगे वो आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है शुरू में, आप देखिए क्वेश्चन, ठीक है, वन वर्ड तो आपको करना ही है, वन वर्ड को मत देखिए पहले, उसको तो करना ही है आपको, ठीक है, फिर आपको क्या करना चाहिए, जो ग्रुप ए है मतलब पांच मार्क्स का जो क्वेश्चन अगर पांच मार्क्स का आता है ना उसको देखिए आप, उसको अगर आप सॉल्व कर पाएंगे या उसमें ऑप्शन तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आप करेंगे, उसमें हल्का सा बस ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा चीज मत करिएगा लगे कि आंसर लिखे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्लियर हो गया, लिखना नहीं है कुछ कि हम ये अटेम्प्ट करेंगे तो हल्का सा ऐसे कर सकते हैं, और वन वर्ड वाला में तो भूल के भी कहीं पर टिक करिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ना वो तो नहीं टिक करना है, ठीक है, बी में और जो मतलब पांच मार्क्स का दस मार्क्स का पंद्रह मार्क्स का ये सब है उसमें बस हल्का सा लगा दे सकते हैं आप कि ये हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन में जिसमें छह में चार करना है आपको ग्रुप बी में तो उसमें आप क्या करिए चार कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है कि ये हाँ ये है चलो तो इसको पहले हम करेंगे इसको दूसरा में करेंगे एकदम ऑर्डर लिख लीजिए जितना कॉन्फिडेंस है आपको इसमें ज्यादा उसको पहले करना है क्लियर हो गया कॉन्फिडेंस के हिसाब से करना है क्लियर हो गया मान लेते हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है तो जो भी पता चल रहा है थोड़ा भी पता चल रहा है पहले उसको करेंगे है ना प्रिपेयर करके अच्छे से जाओगे तो सब पता चलेगा आपको छह में पांच मिनिमम पता चलेगा आपको
हो सकता है छिड़ो आप बना दोगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मान लो डाउट लग रहा है तो पहले उसी को बनाना है जिसमें कॉन्फिडेंस फील करते हैं। मान लेते हैं अटके, फिर भी अटके हैं, छोड़ देना है उसको, फिर टाइम मान नहीं देना, टाइम बचेगा लास्ट में आपके पास, मिनिमम आधा घंटा तो बचेगा मिनिमम, ठीक है। और अच्छे से लिखे हो तो एक घंटा भी बच जाएगा आपका, ठीक है, बचता है टाइम। प्रिपरेशन जो अच्छा से करके गए हैं ना, वो टाइम उनके पास हाथ में रहता है, हाथ में टाइम रहता है कि क्या हम करेंगे टाइम का। प्रिपरेशन नहीं करते तो ही हम फंसते हैं, और फिर फंसते हैं तो एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो वहां क्या स्ट्रेटेजी है, अटके हैं तो छोड़िए उसको, छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपके पास लास्ट में टाइम रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? फिर क्या करना चाहिए, आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में ध्यान देना है आपको कि हम नोट्स और वर्किंग नोट्स भी लिखें, ठीक है। भले ही आंसर बन जाए आधा पेज में, लेकिन मेरा नोट्स और वर्किंग नोट्स भी होना चाहिए। नोट में क्या होता है, लिखते हैं हम कुछ एजम्पशन या कुछ है फॉर्मूला तो वो लिख सकते हैं, और वर्किंग नोट में क्या होता है, कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले सॉल्यूशन का फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट नोट्स, फिर वर्किंग नोट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और अगर आंसर आप लिख रहे हैं थ्योरी वाला, तो उसका क्या है, 15 मार्क्स के लिए इंट्रोडक्शन, मेन आंसर मतलब बॉडी ऑफ द आंसर, और फिर कंक्लूजन। थ्योरी में याद रखिएगा, पैरा पैरा नहीं भरना है हमको, पॉइंट्स में लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं पैरा, क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन में पैरा लिखिएगा तो ज्यादा का पैरा मत बनाइएगा, 2 से 3 लाइन का मैक्सिमम बना दीजिए। क्लियर हो गया? कि ऐसा नहीं लगे कि क्या है, क्योंकि पैरा है तो पढ़ने में नहीं समझ में आता है ना, वो पॉइंट जितना रहता है उतना बेटर रहता है। क्लियर हो गया? पॉइंट्स का कैसे कैसे नंबर मिल सकते हैं, मान लेते हैं आपको अगर 1 2 3 लिखना है तो 1 2 3 लिखिए, ए बी, लेकिन अंदर मार्जिन में लिखिएगा, बाहर इधर वाला में नहीं लिखिएगा, वो क्वेश्चन के लिए होता है मार्जिन। क्लियर हो गया? ये जो लाइन होता है ये वाला आपका, ये क्या होता है, क्वेश्चन के लिए है ना, कौन सा क्वेश्चन आप ढूंढ कर, इसका आपको पॉइंट कौन में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहां इसका आंसर, और यहां इसका पॉइंट है, तो ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है, पॉइंट में आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। कम पॉइंट्स है आपके पास, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, या इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन में ना पॉइंट्स 1 2 3 से बेटर जो हमको लगता है ऐसे करिएगा, ऐसे, और यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। समझ में आया? तीन पॉइंट के लिए इस तरह से, क्लियर हो गया? तीन नेक्स्ट के लिए ऐसे, मतलब ये हल्का सा लाइन देखिए क्या अलग हो गया ना, चला ना अलग चला गया वो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है वो, तो इसलिए 1 2 3 वहां नहीं लिख रहे हैं हम, लेकिन बॉडी ऑफ द आंसर लिखेंगे तो 1 2 3 वहां लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? 1 2 3 ए बी सी कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा अटेम्प्ट किए हैं, और है ना लास्ट में जरूर मिलाएगा जाने से पहले कि वही क्वेश्चन का आंसर लिखे कि नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहला आंसर लिख रहे हैं तो आंसर 1 ही लिखेंगे, लिख रहे हैं क्वेश्चन 5 का आंसर, लेकिन वो 1 लिखते हैं, तो गलत है ना। आपका क्वेश्चन नंबर मैच होना चाहिए ना जिसका आप लिख रहे हो, आपका आंसर शीट में भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कट सकता है आपका पूरा मार्क्स। क्लियर हो गया? Yes. तो लास्ट में जाने से पहले कोई हड़बड़ाना नहीं है जाने के लिए, 3 घंटा आपको मिला है वो यूज करिए आप, ठीक है। कंप्लीट कर भी लिया आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करिए, कहीं देखिए, कभी कभी क्या होता है लास्ट में हम देखते हैं कि स्पेलिंग कुछ का गलत लिखे हैं, बैठ के आराम से पढ़िए उसको, पूरा 3 घंटा अच्छे से यूज करिए, वहां पहले जमा करने से कोई प्राइज नहीं मिल रहा है, ठीक है एकदम आराम से यूज करिए 3 घंटा। और क्या है कि रिवीजन जब कर लेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि कहीं छूटा है या क्वेश्चन वाला जो भी गड़बड़ है। 1 मार्क्स का जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक बार हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए हैं, देख लिए, अब हम मार्क भी कर लिए कि बड़ा वाला क्वेश्चन आंसर में हम पहले कौन सा लिखेंगे, मार्क भी कर लिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप चाहो तो जो 1 वर्ड वाला आंसर है उसको आप कर सकते हो, ठीक है। देख लो कि आता है तो करते जाओ, नहीं तो क्या होगा, स्पेस छोड़ दो, बाद में करना उसको। क्लियर हो गया? उसका क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, दोबारा क्वेश्चन मत लिखिएगा उसका, 1 वर्ड का सिर्फ आंसर लिखा जाता है ना, क्वेश्चन लिख के क्यों टाइम वेस्ट करना, आता है तो लिखेंगे हम, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे, बाद के लिए टाइम रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो टाइम का अच्छा यूज करिए, कोई चीटिंग करने का प्रयास मत करिए, किसी को बताना नहीं है, वहां दोस्ती नहीं चलता है, वो दोस्ती नहीं होता, वो दुश्मनी है, आप उसको बिगाड़ रहे हैं, वो अगले दिन भी नहीं पढ़ जाएगा, बोलेगा है मेरा बताने वाला, ठीक है, तो वो दोस्ती नहीं है, और आपका भी आदत खराब होता है, क्योंकि आप किसी को बता दिए तो आपको लगेगा हमको ही पूछने का हक है, कौन सा हक है भाई, ठीक है, मना है एग्जाम में चीटिंग है, वो चीटिंग है, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, पढ़ के जाइए, क्या दूसरे से बोलते रहना कि हमको ये बताओ वो बताओ, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आगे के लिए आप अपने से कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हमको खुद से पढ़ के करना है, ठीक है,
वाटर वाटर लेके जाइएगा, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए एग्जाम के समय। पानी पीना रहे तो पीना है उस समय, फिर हमको मेरे पास बॉटल होना चाहिए, ठीक है। नाश्ता कर लेंगे तो बेटर है, आप नाश्ता करके ही जाइए, ठीक है। सेंटर पे एक घंटा पहले पहुंचिए, ठीक है। और एग्जाम से एक मतलब एक रात पहले जो आप सोइए, अच्छे से सोइए, माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। आपको भले ही लगे मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं था ना। बहुत अंतर होता है एक रिलैक्स माइंड का और एक माइंड जो रिलैक्स नहीं है। और आपको वो बताइए आंख बंद करके, है ना, बैठिएगा तो पहले आंख बंद करके करिएगा। मम्मी पापा गुरु जो भी जिनको भी गुरु मानते हैं और भगवान, ठीक है, उनको याद करिए, ठीक है। और फोकस करिए अपने एग्जाम पे, लगे कि कहीं अटक रहे हैं या टेंशन जैसा कुछ लगे, बैठिए, कितना 30 सेकंड जो लगता है उसको कर लीजिए वो फिर से, ठीक है। बॉडी स्टिल होगा, माइंड स्टिल होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा आपका, अच्छा अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया? और कुछ पूछना, कुछ पूछना है आप लोगों को? यस सर। हां बोलिए, क्वेश्चन खाली है, क्वेश्चन वाले को, ठीक है। और कुछ पूछना है ऐसे जनरल का, ठीक है। तो कल से, कल या आज ही से हम आपको ऑब्जेक्टिव वाला भेजेंगे, ठीक है, लिंक, ठीक है। और फिर 100 मार्क्स का भी आपका क्या होगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट होगा। बोलिए किस दिन लेंगे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव? आज ही के लिए। पढ़ोगे तब ना, पहले सोचिए, किसी के पढ़ लीजिए पहले। बोलिए किस दिन करना है? 28 को आने, थोड़ा पहले कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन करीब मिलन करेंगे। संडे को तो आपको मेल भेजना है, पीडीएफ भेजना है, पूरा 100 मार्क्स का जो एग्जाम ले रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मंडे को हम भेज देंगे, ताकि फिर 28 को आप आराम से पढ़ पाओ। क्लियर हो गया? जो अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव वाला लिंक भेजेंगे, है ना, उसका आंसर जो होगा, आप क्या करिएगा, जब आंसर वाला पेज आता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उस गूगल वाला पेज को फिर बंद मत करिएगा। मतलब एक बार आप अपने हिसाब से आंसर लिखे, सबमिट कर दिए, सबमिट करते तो आंसर भी आ जाता है ना, फिर आंसर वाला आता है। आंसर वाला जो पेज है उसको आप क्या कर सकते हैं, बेटर लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया? 100 मार्क्स वाला लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो लास्ट आप एग्जाम दोगे, है ना, उसका पेज बस खुले रहने देना। मतलब एक बार सबमिट करोगे तो आंसर भी दिखेगा आपको, तो जो आंसर दिखेगा उसको आप खुले रहने देना, उस लिंक उसको, उस टैब को बंद मत करिएगा। गूगल में खुलता है ना, उस टैब को बंद मत करिएगा, तो क्या खुला रहेगा, और लास्ट फिर उसको 100 क्वेश्चन को बैठ के नहीं लिखना है आपको, वो बस पढ़ लेगा। क्लियर हो गया? तो आपका ऑब्जेक्टिव जब आप करिएगा और आंसर देख लीजिएगा, तो आप 27 तारीख से पहले तक जो भेजेंगे, जो अलग अलग क्वेश्चन होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि टैब को बस खुला रखिए, उसको बंद ही मत करिए। मान लेते हैं गलती से बंद नहीं हो गया ना आपका, तो हम लिंक ओपन ही रखेंगे, आप क्या करेंगे ना, फिर से सबमिट डाल दीजिएगा, ठीक है। उसी लिंक में जाके फिर से क्लिक करिएगा, आ जाएगा, खुल जाएगा आपका, फिर सीधे जाके सबमिट डालिएगा, तो फिर सिर्फ आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा, वन वर्ड का भी करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो संडे को आपको पीडीएफ भेजना है अपना पूरा एग्जाम का, कौन सा जो क्वेश्चन है आया हुआ, उसका आंसर लिख के पीडीएफ बना के, पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज होगा आपका, फर्स्ट पेज मतलब जो आंसर शीट का, उसमें नाम, पहले क्या बोले थे, सीएमए, फिर रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, फिर नाम, ठीक है। पीडीएफ बनाइएगा और भेजिएगा, और पीडीएफ का नाम इस तरह, और ऊपर में फर्स्ट पेज में भी इस तरह लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट पेज में इवन डेट भी लिख दीजिएगा, जो फर्स्ट पेज रहेगा ना उसमें डेट। और फिर इसका तो हम लोग वन वर्ड, ये वन वर्ड वाला मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसका तो हम आपको 27 तारीख को लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, है ना। पहले फ्रेंड्स से डिस्कस कर लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम के पहले तक कॉल कर सकते हैं, और एग्जाम में भूल के भी कोई चीटिंग नहीं करने का सोचिएगा, या हम लिख के लेके जा रहे हैं हाथ में रुमाल में, किसी भी तरह नहीं करते हो आप, लेकिन करने का सोचना भी नहीं है, कोई करे नहीं, इन्वॉल्व होना उसमें, ठीक है। अपने पे ध्यान देना है, और ध्यान देना है कुछ ऐसा कैरी ना कर ले हम जो अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉच भी नहीं होना चाहिए आपके पास। क्लियर हो गया? ठीक है, और फोकस आप एग्जाम पे ही रखिएगा, और टाइम से पहुंच जाइए, सबसे जरूरी वो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।